महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, और जो भाजपा के जो 9 साल का विफलता है, उस विफलता जो विभिन्न मुद्दा आया है, जाति गणना, महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, किसानों की आय दुगनी, उन्माद उत्पाद की राजनीति की नहीं चलेगी, दलित गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना बंद करने की साजिश, इन सारी मुद्दा को लेकर महागठबंधन ने 15 जून को प्रखंड स्तर प्रखंड कार्यालय के परिषद में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करने का महागठबंधन ने निर्णय लिया। 15 जून से अभी महागठबंधन अपने एक्शन में आएगा। इस बीच में अनेकों अपने विचार विमर्श होते रहेंगे, हम लोग बढ़ते रहेंगे, लेकिन देश और प्रदेश की जो खतरनाक स्थिति है, बिहार की जनता और भारत की जनता जिस पीड़ा से ग्रस्त है, उन सारे पीड़ों को समझ करके पीड़ा को और उनके कष्टों को दूर करने के लिए हम लोग अगुवाई करेंगे और इस देश में एक ऐसी सरकार हम लोग बनाएंगे मिलजुल करके, हम जनता की सरकार होगी। 12 के बारे में जो आप लोग पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चाहे जो भी महागठबंधन के जो भी घटक दल है, जो विपक्षी एकता है, और जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे गेस्ट लोग आ रहे हैं उसमें शिरकत करेंगे, उसके बारे में अलग से मीडिया के साथी को ब्रीफ कर दिया जाएगा। एक सवाल है कि आप लोग समन्वय समिति बना रहे हैं, अभी हरिवंश जी पर बहुत सवाल उठ रहा है, नीरज जी ने भी सवाल उठाया है, तो यहाँ तो आप समन्वय समिति बना रहे हैं लेकिन जिसका विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र का जो है एक तरह से सही से स्थान नहीं है, संसदीय और उद्घाटन में हरिवंश जी मंच पर थे, बहुत तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरिवंश जी। अरे भाई, आप तो जानते हैं ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब लोग को अपना रहता है, अधिकार रहता है, समझिए, बोलने का। लेकिन आप पार्टी जो है ऐसे बातों को हम लोग संज्ञान में लेते हैं, उनकी गतिविधि तो पहले से ही अलग है, समझिए, उनकी तो आप देखिए ना, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, प्रदेश स्तर की कोई बात हो तो हमसे पूछिए, उस पर हम विरोध करेंगे। प्रदेश स्तर पर बात है, ये आप बता रहे हैं जो घटक दल, जो विपक्षी एकता की मुहिम जो चल रही है, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिनकी बैठक 12 को होना है, तो 12 को बैठक होना है, बापू सभागार में बैठक होना है, उसका विस्तार से आपको डिटेल में दिया जाएगा, कौन कौन हमारे किस राज्य के हमारे घटक दल के कौन लोग शिरकत कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से हम लोग अलग से मीडिया साथी को देंगे।